और अब बात विजय माल्या से जुड़ी हुई। 900 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए कारोबारी विजय माल्या ने अब बताया 9000 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि बैंक्स मेरी विदेशी संपत्तियों की जानकारी नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट में माल्या के वकीलों ने कहा है कि एनआरआईज विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है और इसके साथ ही माल्या के वकीलों ने कहा है कि कोर्ट से संपत्ति की जानकारी सील कवर में देने की इजाजत मिले। विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या को भारत लाने के लिए ईडी ने कमर कस ली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है जिसमें विजय माल्या को भारत वापस लाने में डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करने की मांग की है। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। इसके अलावा माल्या का पासपोर्ट भी सस्पेंड किया जा चुका है। ईडी आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए के लोन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि माल्या ने इस रकम का इस्तेमाल विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया है। इधर पनामा लीक्स मामले में अमिताभ बच्चन नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पनामा लीक्स में नाम आने पर अमिताभ बच्चन ने सफाई दी थी कि कोई उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब एक अंग्रेजी अखबार ने यह खुलासा किया है कि अमिताभ बच्चन का न सिर्फ इन कंपनियों में डायरेक्टर थे अमिताभ बच्चन बल्कि बोर्ड मीटिंग में भी वो हिस्सा लेते थे। ब्रश सिस्टम के खिलाफ उपजे गुस्से ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाया और देखते ही देखते ये एंग्री यंग मैन सदी का महानायक बन गया। लेकिन शोहरत और उम्र की बुलंदियों पर बिग बी की उस छवि पर अब सवाल उठने लगे हैं। मध्य अमेरिकी देश पनामा से करप्शन का एक ऐसा भूचाल आया है जिसने अमिताभ बच्चन को भी अपने लपेटे में ले लिया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस कुछ नए दस्तावेज लेकर आया है। इन दस्तावेजों के आधार पर अखबार का दावा है कि पनामा पेपर्स का मामला सामने आने के बाद अमिताभ ने जो सफाई दी थी वो सच नहीं। इन दस्तावेज में क्या है ये आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन आपको ये बताते हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन ने सफाई क्या दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड, लेडी शिपिंग लिमिटेड, ट्रेजर शिपिंग लिमिटेड और ट्रम्प शिपिंग लिमिटेड से मेरा कोई नाता नहीं। इनमें से किसी कंपनी का मैं कभी डायरेक्टर नहीं रहा और हो सकता है किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। अब जरा इंडियन एक्सप्रेस में छपे इन दस्तावेज को देखिए। अखबार का दावा है कि ये दस्तावेज सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड की एक बोर्ड मीटिंग के हैं जो 12 दिसंबर 1994 को चैनल आइलैंड में हुई थी। आपको बता दें कि ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की वही कंपनी है जिसका डायरेक्टर होने का आरोप अमिताभ पर लगा और उन्होंने इससे साफ इंकार किया था। इसमें प्रेजेंट यानी मीटिंग में मौजूद लोगों की लिस्ट के नीचे पहला नाम अमिताभ बच्चन का है और उन्हें कंपनी का डायरेक्टर बताया गया है। यहाँ ये भी बताया गया है कि अमिताभ इस बैठक में टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में जारी सर्टिफिकेट में कंपनी के 5 डायरेक्टर्स में से अमिताभ का नाम पहले नंबर पर है। यानी अखबार के पास मौजूद ये दस्तावेज साफ बताते हैं कि अमिताभ बच्चन 1994 में सी बल्क शिपिंग कंपनी के न सिर्फ डायरेक्टर थे बल्कि मीटिंग में हिस्सा भी लेते थे। इन दस्तावेज से यह भी साफ है कि चैन आइलैंड में हुई सी बल्क कंपनी की यह बोर्ड मीटिंग बहामास की एक कंपनी ट्रम्प शिपिंग लिमिटेड को $17,50,000 का लोन देने के लिए रखी गई थी और इसके बदले कंपनी के सारे शेयर सी बल्क कंपनी ने खरीद लिए। मजे की बात ये कि ट्रम्प शिपिंग लिमिटेड कंपनी का नाम भी पनामा लीक्स में आया था और इसमें भी अमिताभ बच्चन के डायरेक्टर होने का आरोप लगा था जिसको उन्होंने नकार दिया। अब सवाल यह कि क्या इन कंपनियों से अपने रिश्तों को सिरे से खारिज कर अमिताभ बच्चन ने झूठ बोला? क्या यह वाकई मुमकिन है कि बिना अमिताभ की जानकारी के कोई उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर सके? उनके पुराने दोस्त अमर सिंह भी इस थ्योरी पर सवाल उठा चुके हैं। अमिताभ बच्चन जी का एक बयान आया है कि मेरे नाम का दुरुपयोग हुआ है। इसका मतलब उस बयान से ये पता चलता है कि उन्हें यह पता है कि उनके नाम का दुरुपयोग किसने किया है, तो कम से कम देश को उन्हें बताना चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने उनके नाम का दुरुपयोग किया है। ये दस्तावेज कितने पुख्ता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि इससे अमिताभ बच्चन पर नए सिरे से सवाल खड़े तो हुए ही, लिहाजा अब उन्हें एक पुख्ता सफाई के साथ सामने आना ही होगा, वरना महानायक की छवि का खराब होना ना तो उनके करोड़ों फैंस के लिए अच्छा है और ना ही देश के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।